ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। व्याकरण में तीन काल होते हैं। काल तो वैसे होते ही है, व्याकरण ने एक नियम बना दिया, भूत, वर्तमान और भविष्य। मनुष्य के जन्म भी तीन ही होते हैं, एक पहले जन्म था, एक वर्तमान में है और एक आगे होने वाला है। ऐसे तो जन्म मरण की श्रृंखला है, पर हम केवल तीन काल पर विचार करें तो तीन जन्म की बात तो करें। तीन जन्म, जो धार्मिक आदमी है, धर्म में विश्वास करता है, वह केवल वर्तमान जीवन की तो चिंता करे और भावी जन्म की चिंता न करे, तो मानना चाहिए कि धर्म रमा नहीं, धर्म का स्पर्श नहीं हुआ। कोरा धर्म का नाम ले रहा है, धर्म की बात कर रहा है, किंतु धर्म हृदयंगम नहीं हुआ है। वास्तव में धर्म को उस व्यक्ति ने हृदयंगम किया है जो हर आचरण के साथ ये देखता है कि इसका परिणाम क्या होगा और अगले जन्म पर इसका क्या प्रभाव होगा। अगला जन्म होना है, इसका प्रभाव क्या होगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं आज मनुष्य हूं और ऐसा आचरण करूं जिससे अगले जन्म में पशु में चला जाऊं, नरक में चला जाऊं और कहीं असद गति में चला जाऊं, कहीं ऐसा तो न हो। शायद बड़े लोगों को तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कम से कम छोटे लोग जो है उनको तो अवश्य सोचना चाहिए। अब बड़े लोग तो धन और सत्ता के मद में इतने दर्पी हो जाते हैं कि शायद उन्हें सोचने का अवकाश ही नहीं, और वे क्यों सोचे, उन तो लगता है न मरिष्यामि, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, अमर हूँ, अमर भये, हम न मरेंगे। आनंद घन जी का जो महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना में दोहरा रहे थे, अमर भये, हम अब न मरेंगे। अरे नहीं मरेंगे, जब तुम आत्मा की सन्निधि में चले जाओ, आत्मा को पहचान लो, तब तो कह सकते हो हम नहीं मरेंगे, मैंने आत्मा को पा लिया। पर शरीर में रहने वाला व्यक्ति कहे कि मैं नहीं मरूंगा, ये तो कभी संभव नहीं है। बड़े बड़े लोगों को देखा कि दुनिया से चले गए, आज नाम पता ही ठिकाना नहीं है। अगर हम 5000 वर्ष का इतिहास देखें तो 5000 वर्ष में कितने शक्तिशाली शासक, मंत्री, धनी लोग हो गए, कोई नाम भी नहीं जानता। आपके परदादा का नाम क्या है, दादा तक तो फिर भी बता देगा, परदादा का नाम बताने वाले तो कम मिलेंगे। और पूछ ले सात पीढ़ी का नाम, तब तो शून्यम, जानता ही नहीं। तो भला 100-200 वर्ष की बात को भी हम पूरा नहीं जानते, तो 5000-10000 वर्ष की बात का तो पता ही नहीं, क्या कितना हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं रहता। इसलिए आदमी के लिए सोचना जरूरी है कि न सत्ता का अहंकार, न धन का अहंकार, न ऐश्वर्य का अधिकार, सोचना यह है कि मेरा जीवन वर्तमान का कैसे अच्छा रहे
और अगला जन्म कैसे अच्छा हो, इससे भी और आगे उन्नत हो, अवनत न हो। जिस विकास की भूमिका पर मैं पहुंच गया, अब इससे नीचे तो नहीं जाऊं वापस। एक बड़ा महत्व का चिंतन है कि मैं मनुष्य बन गया। चार गतियां मानी जाती है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये दो गतियां नीची मानी जाती है, नरक गति और तिर्यंच यानी पशु पक्षी की योनि, ये नीची मानी जाती है। और फिर मनुष्य विकासशील प्राणी है, विकास किया उसने, और देव गति उससे भी ऊंची मानी जाती है कुछ अर्थों में। ऐसे तो मनुष्य सबसे बड़ा है, क्योंकि मनुष्य में जो चेतना है, और चेतना का जितना विकास मनुष्य कर सकता है, देवता भी नहीं कर सकता। कि मनुष्य केंद्र है, सबसे पहला है मनुष्य, तो उसे सोचना है कि मैं ऐसा कोई आचरण न करूं जिससे मुझे नीची गति में यानी नरक और पशु योनि में जाना पड़े। एक धर्म का बड़ा आधार बनता है, धार्मिक कहलाता है, धर्म को मानता है, और इस बारे में कभी चिंतन नहीं करता, आचरण कभी अच्छा नहीं करता, जो आए सो कर लेता है, बस जो भी आया सो कर लिया। कुछ पागल ऐसे होते हैं कि जो आया सो कर लिया। हमने एक आदमी को देखा सुना है, चूरू जिला में एक गांव में एक आदमी था, पागल बन गया था। उसका पागलपन इतना ही था, और पागल नहीं था, इतना पागलपन था कि कोई आदमी छेड़छाड़ करता वो पीछे से आकर मुक्का मारता तो आगे चलता उसके वह मुक्का मार देता। वह ये नहीं देखता किसने मारा, कोई जरूरत नहीं, आगे चलता उसके मुक्का मार देता। पागलपन है एकदम। तो ऐसा पागलपन न हो कि बिना सोचे समझे किसी के मुक्का जड़ दे, विवेक करे कि मुक्का किसने मारा। तो यह एक पागलपन न हो कि आदमी चिंतन न करे और बिना सोचे समझे कोई काम कर ले। आज यदि हम विचार करें तो लोग वर्तमान जीवन की समस्या को सुलझाने में ज्यादा लगे हुए हैं। ये जरूरी भी होता है कि जब तक रोटी पानी की समस्या नहीं सुलझती, मकान कपड़े की दवा की समस्या नहीं सुलझती, तब तक आदमी करे क्या। ये तो एक उलझन है ही, उसमें लगा हुआ है। पर एक बात पर हम ध्यान दें कि रोटी आवश्यक है, पानी आवश्यक है, कपड़ा मकान आवश्यक है, दवा चिकित्सा आवश्यक है, पर उससे भी ज्यादा आवश्यक है सदाचार, नैतिकता। अगर वह नहीं है तो रोटी भी मुश्किल से मिलती है, पानी भी मुश्किल से मिलता है। और मैं तो ये मानता हूं कि गरीबी का भी बड़ा कारण ये अनैतिकता असदाचार है। अगर नैतिकता हो तो इतनी गरीबी तो नहीं रह सकती कि आदमी को खाने पीने कोई न मिले, भूखे रहना पड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता। अनैतिकता के कारण होता है। राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, आचार्य तुलसी दिल्ली में थे, अनुव्रत भवन में हम ठहरे हुए थे, वे दर्शन करने आए, काफी बातचीत हुई हो रही थी। बातचीत के दौरान राजीव जी ने कहा कि आचार्य श्री, हमारी एक समस्या है कि हम गरीब आदमी के लिए 1 रुपया देते हैं तो उसके पास 15 पैसा पहुंचता है, ये बड़ी समस्या है, बीच में गायब हो जाता है इतना। तो यह तो पुरानी बात हो गई, अब तो 15 नहीं, 8 होते तो कहते 5 पैसा पहुंचता है, बड़ी समस्या है, बीच में सारा चट हो जाता है। जब तक नैतिकता नहीं है, समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। सदाचार बहुत जरूरी है, और सदाचार व्यापक बने तो फिर गरीबी नहीं रह सकती, इतनी रह नहीं सकती। सारा कोण बदल जाएगा देखने का, सोचने का। मैंने तो देखा है कि जब जब हम दिल्ली
बॉम्बे, कलकत्ता, जब कहाँ गए जाते हैं, मद्रास, बंगलोर, सब भी बड़े शहरों में जाते हैं। तो दिल्ली में भी हमने देखा, सब जगह देखा, एक और तो अट्टालिकाएं आकाश को छू रही है। आजकल बहु मंजिले मकान बहुत बनते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनते हैं, तो आकाश को छू रहे हैं। और थोड़े आगे गए और उसके नीचे ये झुग्गी झोंपड़ियां देखी, तो मन में आया कि क्या कहते हैं, स्वर्ग और नरक होता है, यही तो नहीं है स्वर्ग और नरक। एक ओर देखो तो स्वर्ग जैसा दृश्य दिखाई देता है, दूसरी ओर देखो तो गंदगी, पानी, हमने देखा वहाँ दिल्ली में कि गंदगी है, पानी है, कीचड़ है, मच्छरों का तो कोई शुमार नहीं, मक्खियाँ तो भिन भिना रही है, और उसके बीच में झोंपड़ी बांधे लोग बैठे। ये क्यों? इसका कारण ही है कि सदाचार का विकास नहीं है। यदि सदाचार का विकास हो, सत आचार, अच्छा आचार मनुष्य का हो, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता। उसमें संवेदना होती है, करुणा होती है। एक दिन हम लोग हिसार में थे, सर्दी का मौसम था, मुझे कुछ ज्वर हो गया, तो दिन भर में डॉक्टरों का तांता लग गया। मैं परेशान हो गया कि बार बार डॉक्टरों को मत बुलाओ, पर हिसार में तो बहुत डॉक्टर है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चिकित्सा की बहुत सुविधाएं हैं, एक व्यक्ति किसी को लाया, दूसरा किसी को लाया। तब मन में चिंतन आया कि हम 2 दिन पहले ही जिस रास्ते से आए हैं, जिंदल का जो कारखाने हैं, और बहुत बड़ा उद्योगपति है जिंदल, उसके कारखानों से उधर से आए हैं, और रास्ते में उधर झुग्गी झोंपड़ियाँ थी, तो मन में सोचा कि वे लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, मच्छर जरूर काटते होंगे, और किसी को मच्छर काट जाए, बुखार हो जाए, तो क्या कोई वहाँ डॉक्टर जाता है क्या? एक बड़ा प्रश्न है, समस्या है कि सदाचार को हम व्यापक संदर्भ में समझने का प्रयत्न करें। एक सदाचार का दर्शन होता है, दृष्टिकोण होता है कि सदाचार क्या, कि उसमें करुणा जागे, संवेदनशीलता, संवेदनशील बन जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि समाज में संवेदनशीलता कम हो रही है। दूसरे दिन मैं पढ़ा और मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि मुख्यमंत्री ने सच्चाई को तो प्रकट किया, पर इससे आगे बढ़े कि संवेदनशीलता समाज में आए कैसे? प्रश्न तो ये हमारे सामने, संवेदनशीलता कम है ये तो हम जानते हैं, करुणा कम है, क्रूरता जितनी है करुणा नहीं है, क्रूरता तो बहुत ज्यादा है, पर संवेदनशीलता कैसे आए? प्रश्न तो यह है, क्रूरता कैसे कम हो? अगर आप पैसे की ओर जाए, पदार्थ की ओर जाए, तो संवेदनशीलता कभी नहीं आए। पहाड़ और पहाड़ में चट्टाने, शिलाएं, पत्थर हैं, अगर कोई नंगे पैर चले और लोही न आए, कैसे संभव है? कठोर है, क्रूरता है। नंगे पैर चले और पैर में कांटा न चुभे, ये बबूल की सूल न चुभे, कैसे संभव है? पैसा और पदार्थ, उसकी प्रकृति है कि क्रूरता पैदा करता है, सत्ता भी क्रूरता पैदा करती है, अधिकार भी क्रूरता पैदा करता है। अधिकार मिल गया और क्रूर न बने, आश्चर्य मानना चाहिए। पैसा बढ़ गया और वह क्रूर न बने तो भी आश्चर्य मानना चाहिए। अधिकार आ गया और क्रूर न बने, आश्चर्य मानना चाहिए। अधिकार वाला नीचे रहने वालों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे देता है कि कुछ सोचता ही नहीं। कोई कर्मचारी अपने मैनेजर के पास गया और बोला कि सर, अवकाश किस लिए? कि मेरा एक संबंधी मर गया, मुझे जाना है। कि तुम्हें तो बार बार बस संबंधी मरते रहते हैं, कब कब जाओगे? यह छुट्टी कब कब बार बार मिलेगी? छुट्टी कैसे मिलेगी? नहीं दी छुट्टी।
दो चार दिन बाद टेबल पर एक तार पड़ा है, उसमें लिखा था मैनेजर की माँ मर गई। चेहरा उदास हो गया और बोला कि मैं अब छुट्टी पर जा रहा हूँ। उसने पूछा, सर क्यों? कि माँ मर गई। तो क्या हुआ, क्या हुआ? आपने कहा था कैसे मरते हैं कि हम कहाँ कहाँ कब छुट्टी पर जाएंगे, अब क्या बोले? यानी क्रूरता, पता नहीं क्यों एक अधिकार सत्ता बड़प्पन के साथ होना चाहिए करुणा का विकास, होता है क्रूरता का विकास, संवेदनशीलता कम हो जाती है। ये क्यों सूखती है, एक बड़ा अन्वेषण का विषय है। और शायद वैज्ञानिक लोग भी इस पर खोज करें कि अधिकार और बड़प्पन जिसको हम कहते हैं, आते आते उसके साथ साथ क्रूरता भी आ जाती है, आती है। मैंने एक भाई से कहा कि तुम अपने साथ जो कर्मचारी है उनके साथ मृदु व्यवहार किया करो, मीठा मधुर व्यवहार किया करो। बोला कि महाराज आप क्या कहते हैं, इसे तो काम ही नहीं चलता, कोई काम ही नहीं करेगा। जब तक डांटते नहीं है, कड़ा नहीं बोलते हैं, गरजते नहीं है, गरजे बिना कोई काम ही नहीं करेगा। ये धारणा बना ली कि गरजना जरूरी है और बरसना जरूरी है। आदमी जब गुस्से में आता है ना तब गरजता है। सुकरात की पत्नी, सुकरात तो बड़ा दार्शनिक हुआ है, और पत्नी बहुत गुस्सेल थी, इतना गुस्सा आता था कि वह गरजती भी बरसती भी थी, दोनों जानती थी। एक दिन सुकरात देरी से आए, वह रोज कहती कि आप देरी से मत आया करो, देरी से आओ तो मैं आपको डांटूंगी एकदम। अब दार्शनिक आदमी था, तत्ववेत्ता था, कोई तत्व की चर्चा हो जाती तो सुकरात तो वहाँ रह जाते। एक दिन बहुत देरी होगी, देरी से आए, आते ही बस मैं गरजना शुरू हो गया, गरजारा शुरू हो गया, खूब कहा खूब बोली, आखिर तो भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। जब आदमी को गुस्सा आता है, जब तक शांत नहीं होता उसे पता नहीं क्या कर देता है। पहले तो खूब गरजारव किया, मैं गाजा, खूब बकवास की, गालियां दी, बखा, फिर भी शांत नहीं हुआ। तो एक बाल्टी पड़ी थी पानी से भरी हुई, वह बाल्टी लेकर सिर पर पानी उंडेल दिया। सुकरात हंसे बोले, कितना अच्छा, देखो आज बादल, पहले तो गरजारव बरस भी गया। ये सब होता है कारण कि क्रूरता बढ़ जाती है। यदि क्रूरता न हो तो सदाचार का विकास हो सकता है, करुणा के बिना सदाचार का विकास नहीं हो सकता, संवेदनशीलता के बिना विकास नहीं हो सकता। जब यह चेतना जाग जाए कि मैं जिसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूं या कर रही हूं, सामने वाला भी मेरे जैसा ही आदमी है, वह भी चेतनावान है, संवेदनशील है, मैं उसके साथ कैसे व्यवहार करूं, ऐसा न करूं कि उसको पीड़ा पहुंचाऊं। यह चेतना जब जाग जाए तो शायद ऐसा नहीं कर सकता। और ऐसी चेतना का जागरण ही वास्तव में धर्म है। यह धर्म कोरा एक रूढ़ी बात, कर्म कांड क्रिया कांड, यह तो एक हमने ऐसा अपने आप को संतोष देने के लिए कभी दिन में चाहे सो करो और शाम को या सुबह जाकर वह कर लो, जैसे सूरदास ने लिखा है, सुंदर लिखा कि प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो सो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण न चित्त न धरो। अगर दूसरे दिन नहीं करे तब तो ठीक है, रोज बुराई करते चले जाओ, रोज सामने जाकर प्रभु के सामने प्रार्थना करो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, ऐसा लगता है प्रभु जैसा बोरा कोई आदमी नहीं। उसका रोज तो बुराई करो, रोज माफी मांगते चले जाओ, माफी तो तब मांगो, यह संकल्प हो कि कल मैं यह नहीं करूंगा। याणिम नो जमहम पुब मकाशी पमायणम, महावीर की वाणी है। तो याणिम नो, अब मैं वह काम नहीं करूंगा, जम हम पुब मकाशी पमायणम, जो मैंने पहले प्रमादवश किया अब वह आचरण नहीं करूंगा। वह आदमी माफी मांगे तब तो ठीक बात है, बुराई भी करता चला जाए और रोज बुराई को साफ करने के लिए माफी भी मांगता चला जाए तो ऐसा लगता है कि धर्म और भगवान ही दुनिया में सबसे ज्यादा भोले हैं, और तो सब होशियार आदमी है। हमारी भी एक घटना है कि एक दिन
मुनि जी के पास एक भाई आया, आकर बोला महाराज मंगल पाठ सुना। जो लोग जाते हैं शुभ काम के लिए मंगलिक सुनते हैं, बड़ा पवित्र मंगल है, बड़ा कल्याणकारी है। मुनि जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा तो नहीं रहा हूँ। तो फिर मंगलिक कहीं आज कोर्ट में जाना है, केस है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में जाना है। तो मुनि जी ने पूछ लिया, ये तो बताओ मंगल पाठ सुन रहे हो सच्चा है झूठा? कि महाराज आपसे तो क्या छिपाऊँ, है तो झूठा, मैं ऐसा मंगल पाठ सुनाओ कि फतेह हो जाए। अब धर्म का कैसा उपयोग हो रहा है देखिए। यह धर्म जब है तो उससे बहुत कल्याण नहीं हो सकता। धर्म का यह रूप बन जाए कि बुराई को छिपाने के लिए, झूठ को छिपाने के लिए धर्म की आड़ लेते रहे और धर्म भी करते रहे, यह ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए एक धार्मिक व्यक्ति को जिसमें सही अर्थ में धर्म की चेतना जागृत है, उसे चिंतन करना चाहिए कि मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे मेरी चेतना का अधोरोहण हो, नीचे जाना, अधोगमन हो, नीचे जाए और मेरा अगला जन्म भी अच्छा न बने, ऐसा कोई आचरण न करूं। एक धर्म की चेतना को जगाने का और सदाचार के विकसित करने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगला जन्म मेरा कैसा होगा। एक केंद्र है, इस कांटे पर सुई टंगी हुई है तो ठीक घूमेगी। कि मेरा अगला जन्म कैसा हो प्रतिदिन सोचना चाहिए। कोई प्रार्थना करे तो यह प्रार्थना कि प्रभु मेरा अगला जन्म उन्नत हो, इससे नीचा न जाए, यह प्रार्थना बहुत काम की है। और उसके लिए सदाचार जरूरी है, सदाचार के बिना ऐसा होता नहीं। स्थानांग सूत्र में बतलाया गया है पशु योनि में जाने के चार कारण हैं। उनमें एक कारण है कूड़ तुल्य कूड़ माने, झूठा तोल माप करने वाला मर के पशु योनि में जाता है। अब जो यह इस बात को जानता है उसका आचार जरूर बदलेगा कि मुझे पशु नहीं बनना है, मुझे पशु नहीं, जो मनुष्य बन गया, इतना विकसित हो गया, मेरी चेतना इतनी विकसित हो गई, अब मुझे नीचे तो जाना ही नहीं है। यह संकल्प जिसका बन गया उसका आचार भिन्न प्रकार का होगा। और जिसका यह है अगले जन्म की चिंता नहीं, कि बस इस जन्म में जितना लाभ उठाना हो उठा लूं, जितना कमाना हो कमा लूं, जैसे तैसे कमा लूं, कोई चिंता की बात नहीं, मुझे तो नंबर वन बनना है, उसका अगला जन्म मान लो अच्छा होने वाला नहीं है, वह सोचता भी नहीं है। और उसे धार्मिक मानने में भी सिद्धांततः कठिनाई होती है। वे कैसा धार्मिक आदमी जो अगले जन्म की बात नहीं सोचता। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।